गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कल का ब्लॉग पसंद आया होगा। आनू सुबह उठते ही बोलने लगी कि चिया कहाँ है, चिया कहाँ है। तो फिर उसको समझाया कि उसकी मम्मी रात में आई थी और वो रोई रोई कर रही थी कि मेरे बच्चे का है, बच्चे का है। तो फिर हमने उन्हें दे दिया था, तब वो जाके मानी। फिर बोली कि पापा न्यू दिला दो। तो फिर ये दिलासा दी गई है, हाँ दिलवा देंगे, जल्दी दिलवा देंगे। तो गाइस, आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। आज हमारी फैमिली में 30,000 लोग होने वाले हैं। और मुझे आज बस्ती जाना था लेकिन मैं गया नहीं। अभी वही सैटेलाइट वाला क्लिनिक के लिए भेजा है लोगों को, बस वो लोग वहाँ से पहुँच जाएँ, मैं सारे मरीज़ देख लूँ ऑनलाइन। उसके बाद फिर जाएंगे पेड़ की शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज पेड़ भी लगाना है। और जैसा कि आज प्रॉमिस किया था कि शाम को हम दिखाएंगे कि कहाँ पे हमने पेड़ लगाया। अभी बस मैं माली से मिलता हुआ जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसने कौन सी जगह ऐसी लोकेट करी है जो जहाँ पे हम पेड़ लगा सकते हैं। तो गाइस, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और इस समय भीड़ तो नहीं दिख रही है। आज थोड़ा जल्दी भी आया हूँ मैं। 29,991 हो गए हैं, 9 और हो जाए बस हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ते हैं भैया, हम इतने बड़े ब्लॉगर नहीं हैं, बना दो हमें भी बड़ा ब्लॉगर। चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, हो जाए भैया, हो जाए हो जाए हो जाए। देखिए गाइस, हो गए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये 30,000 हो गए, 30,000 हो गए, ये 30,000 हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो भैया, नाचो नाचो। 30,000 हो गए, 30,000 हो गए। हम हॉस्पिटल में बैठे हैं तो बहुत आवाज नहीं कर सकते हैं, शांति बना के रखना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो मरीज सोचेंगे कि डॉक्टर साहब ही पागल हो गया है। तो अभी मैं मरीज देखता हूँ फटाफट, एक्साइटमेंट का लेवल दुगना हो गया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और इसी तरह का प्यार बनाए रखिए। और अब आगे का दिन कंटिन्यू करते हैं। मरीज़ देख रहा हूँ यार, एकदम सर में दर्द हो गया है मरीज़ देखते देखते। एक तो वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कभी इंटरनेट नहीं आ रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, कभी प्रिंटर पेज फंस जा रहा है। मतलब सुबह से 7-8 मरीज़ देखने में मुझे छींकें आ गई। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, बताता रहूंगा। कीप वॉचिंग। दिक्कत और डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये हल्दी गंदा छोड़ना चाहता था मैं। तो उसके लिए ये करिए कि आप एक हमारे यहाँ पाउडर आता है, मिरेकल पाउडर आता है वो जट मामू टा क्या कर रही हो, लेटी लेट गई हो तुम पापा के उस पे पैरों पे आनू सो जाओ, देखो मम्मा आ गई है। आओ मम्मा, क्या कर रही हो? वाओ, दिस इज फॉर यू। थैंक यू थैंक यू, दिस इज फॉर यू। वाओ यार, 30,000 फॉलोअर्स होने के लिए। वाओ पिज्जा, तुम्हारे लिए पिज्जा। वाओ यार, लेकिन सिर्फ एक स्लाइस लेके आई हूँ। पिज्जा खाओगी? गुड मॉर्निंग गाइस, आज सुबह सुबह लाइट नहीं आ रही थी लेकिन अनु जो है बिल्कुल छटपटाने लगी गर्मी के मारे। और बोली कि चलो पापा घूमी करने, चलो पापा घूमी करने, चिया लेके आएंगे, फिर से चिया लेके आएंगे। तो हम लोग निकले हैं। आनू तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? चिया के पास। देखिए देखो देखो भैया देखो संडे सुबह सुबह को तो लखनऊ की सड़कें बिल्कुल ही खाली रहती है, बिल्कुल खाली दिख रही है, बिल्कुल कोई है ही नहीं। इस समय 7 बज रहा है और पापा मस्ती करते हुए जा रहे हैं, है ना अनु? मस्ती हो रही है, वेरी गुड।
तो हमने यहाँ पे आए हैं, ये पुरनिया के पास एक नर्सरी है, वहाँ पे हमने ये करी पत्ता, तुलसी, दो बेला और गुड़हल ले लिया है। तो हम लोग ने शॉपिंग कर ली है यहाँ से और हम लोग निकल रहे हैं। दादू के घर चलोगी? चलो चिया के घर चलते हैं। कह रहा था ना आप लोगों से, ये गुनगुनाती रहती है अपनी ABCD, दिन भर गुनगुनाती रहती है, इसका पूरी ABCD आ गई है और सुपर एक्साइटेड है कि कोई इसको तोता या पक्षी मिलेगा या चिया मिलेगी, लेकिन इसको पता नहीं है कि हम लोग एक बार परेशान हो चुके हैं, अब और नहीं परेशान होंगे। आनू चलो दादू के घर चलते हैं घूमने करने। हो सकता है दादू के पास चिया हो। दादू कहाँ है? चिया है? नहीं, हो सकता है हो, चलो पूछते हैं चल के, है ना, चल के पूछा जाए। इंदिरा नगर वाला जो पुल है वो बहुत तेजी से बन रहा है, तो देखते कितने पिलर इधर खड़े हो गए हैं, देखते ही देखते मुझे लगता है कि वो साल 6 महीने में थे पहले चालू कर ही देंगे। मुझे लगता है बहुत लंबा पुल है, बहुत ज़्यादा लंबा, तो जी यहाँ से चालू हो के हमारे हॉस्पिटल तक चलता है। आनू को मैंने बता दिया है कि हो सकता है कि चिया दादू दादी के पास हो, तो आनू सुपर एक्साइटेड हो गई है वहाँ जाने के लिए। अभी हम लोग वहाँ जा के देखते हैं कि वहाँ उनके पास है कि नहीं। नहीं है तो फिर भी देख तो लें। देखिए आलू कितने मस्ती बैठी है। कहा कर लियो भैया, बोले मेरे भैया कितना पालू आ रहा है, भैया कितना पालू आ रहा है। अनु आएगी, देखो देखो पापा फोटो ले रहे हैं, पापा फोटो, चलो 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 आओ आओ। जब एक जगह इकट्ठे करेंगे हम लगवा देंगे उसमें। अनु कमल बोएंगे, हम कमल लाने हैं, अभी नीचे लगा दें। बस दादी बस कम मिट्टी डालो, एक और लगा दे। पुष्पा इसको पॉलिथीन में डाल, भैया ले जाए। सर पॉलिथीन हटाने कैसे लगा दें? पॉलिथीन कैसे हटानी, इल्ला बताइए। तो ये जो बेला है मतलब वहाँ पे ग्राउंड में लगा दे या गमले में ही लगाना होता है? ग्राउंड में तो बहुत अच्छा फैलता है बेटा, उस बड़े में लगा दे, ये जो बड़ा है ना इसमें ये सब निकाल दो, ये हम लगा दे इसमें डाल दे, बड़े वाले में दूसरे वाले बड़े में डाल दे। पानी डाल पौधों में, भानु लगा दी, मेरे यहाँ तो कई गमले खाली हैं। क्या करा रही हो तुम, मालिश क्यों कराने लग गई घर पे आ गया? करा लो। अच्छा तो गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं, मैं तो
मैं सब निकल रहा हूँ। मैंने दाल को फ्राई कर दिया अपने स्वाद अनुसार और बस अब निकलता हूँ, नीचे जा रहा हूँ। माली को बुलाया है, माली से पेड़ लगवाएंगे। और मैं थैंक यू करते करते थक नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इतना बड़ा बनाया, इस मुकाम पे बताया। इतनी गर्मी है ना, 42 डिग्री अंदर गाड़ी में टेम्परेचर हो रहा है। फुल पे एसी चला रखा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब समझ लीजिए ऐसा लग रहा है जैसे स्टेयरिंग भी नहीं पकड़ा जा रहा है, इतना गर्म है स्टेयरिंग। मैं निकल चुका हूँ हॉस्पिटल से, आज बहुत ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन ओपीडी ठीक ठाक थी और बस काम ख़त्म कर लिया है, अब घर के लिए निकल रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सीधे घर पे रुकूंगा। बेल का शरबत मैंने आस्था को बनाने के लिए बोला है कि बना के रखना, बस जाके बेल का ठंडा ठंडा शरबत पियेंगे बर्फ़ डाल के और बड़ा मज़ा आएगा। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा, हमने बस 5 पेड़ लगाए, खूब सारे मरीज़ देखे। अब हम घर आ गए हैं, आनू के साथ खेल रहे हैं। आज का वीडियो मैंने एडिट कर दिया, आज के वीडियो में कल का और आज का मिला के है, तो क्योंकि कल शाम में इतना थक गए थे वो सब पेशेंट देखने के बाद ऑनलाइन की बहुत सारा देख लिया। हाँ बोलो आनू, क्या बोलेगी आनू, सबको बोलो बाय बाय। यहाँ से हाथ उठाओ, कैमरे से हाथ उठाओ तो दिखेगा नहीं। तो ये आनू शूट कर रही है भाई सबको, अपने आप को। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल विच इज़ डॉक्टर फैमिली व्लॉग्स, और इसी तरह प्यार बना के रखिए। हमारा बेल का शरबत तैयार हो गया है, बस फाइनल टचेस देने हैं वीडियो को। और आगे मुझे वीडियो नहीं बना।